अच्छा मैम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वो भी पुणे से है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। उनकी वो पहली प्रेगनेंसी थी, उन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से इस एडवर्टाइजमेंट को देखा था हमारे, और वेबिनार या वर्कशॉप जो भी उस टाइम पे हो रहे थे उन्होंने ज्वाइन किया। हेमा मैम के बारे में मुझे इतना ही बताना है कि जो मैं जानता हूँ कि ये मॉम है हमारे जेएससी की, जिन्होंने पहले मन से एकदम बिगिनिंग से अंत तक हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से फॉलो की है। सो आई एम वेरी क्यूरियस उनके जो रिजल्ट्स है वो सुनने के लिए। सो वेलकम मैम। सो मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे आपने पहले दिन जब वेबिनार या सेमिनार जो भी था वो आपने देखा, आपको क्या लगा, क्यों एडमिशन किया, और एडमिशन करने के बाद में जीएससी के संग आपकी जर्नी कैसी थी? यस सर, एक्चुअली मेरा नाम है हेमा लोंडे, मैं पुणे से हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, शादी के पहले से ही कर रही थी। जस्ट मई में, लास्ट ईयर मई में ही मेरी शादी हुई थी, एंड लाइक फर्स्ट मंथ में कंसीव हुआ था प्रेगनेंसी मेरा। तो लाइक आई वॉज कंफ्यूज कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर फेसबुक पर जस्ट 10 डेज ही हुए थे मुझे पता चला था कि नाउ आई एम प्रेगनेंट। मैं कंफ्यूजन में थी कि मेरी कैसे हो पाएगा, मेरा जॉइंट फैमिली है, लाइक अभी शादी हुई है, क्या करूँ। फिर मैंने वेबिनार देखा सर का, फिर फेसबुक पर पहले उसका पोस्ट देखा, फिर वेबिनार देखा लाइक, एंड फिर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर सर से बात करने के बाद मैंने, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं अभी मैं मुझे ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैंने सर से कंफर्म किया, फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक मैंने सब कुछ किया एंड बहुत एक्टिवली किया है। लाइक मेरे साथ ही मेरी जो जेठानी थी वो भी प्रेग्नेंट थी, वो मेरे से 4 मंथ पहले कंसीव हो चुकी थी। हम दोनों के बेबी में 4 मंथ पोस्ट डे का ही गैप है, एंड लाइक उसके बेबी से अभी कंपेयर करना चाहे तो उसके बेबी से मेरा बेबी बहुत ज्यादा एक्टिव है। लाइक वो 5th मंथ में वो 1 साइड हो रहा था, मेरा बेबी day 1 ही जस्ट उसको हॉस्पिटल में हम लोग जस्ट उसको, मेरे सास ने उसको हाथ में लिया था और नीचे ही रखा, जैसे ही बाहर लाते ही वो अपने आप हिमसेल्फ टर्न 1 साइड। लाइक सब लोग शॉक की इतना एक्टिव अभी है, और अभी तो वो इतना मतलब इतना शांत है, किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं देता, बहुत शांत है, बहुत एक्टिव है, वो बहुत सुंदर है। लाइक वो अपने बारे में सुन हंस रहा है, वो ही इज जस्ट 2 मंथ ओल्ड। ओह, 2 मंथ ओल्ड ओनली। यस, और वो सर की आवाज तो इतने अच्छे से पहचानता है। मैंने जैसे ही वीडियो ऑन किया वो सो रहा था, और जैसे ही ऑन किया सर का आवाज सुन के वो डायरेक्ट उठ के बैठ गया कि मुझे भी सुनना है मामा, उसको लेके ही बैठी हूँ। वो फर्स्ट डे से ही टर्न होता है और मेरी बात, हर एक बात मेरी सुनता है। सब लोग मुझे वही बोलता है कि मेरा बेबी लाइक 2 मंथ से ज्यादा एक्टिव है, मतलब खुद से रात में तो बिल्कुल भी सताता नहीं है, वो 1-2 बार उठाएगा फिर खुद ही खेलते खेलते सोता है, दोपहर में भी किसी को ज्यादा परेशान नहीं करता है, कोई भी इसके पीछे आगे पीछे नहीं रहता है कि बाबा ये परेशान करता है। नहीं तो कैसा होता है कि बच्चा है तो सब लोग उसके आगे पीछे ही रहते, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है, वो खुद ही खेलता है, खुद ही सो जाता है, उसको खिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर टाइम देना है तो जन्म के पहले टाइम दीजिए, जन्म के बाद में टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। और ये आपका ये एक्सपीरियंस सुन के वैसा ही फील हो रहा है कि यस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसको पहले जो टाइम दिया था वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्थ है, जीएससी हर एक को करना चाहिए, मतलब लाइक 1 दिन भी बचा हो ना प्रेगनेंसी का फिर भी करना चाहिए, अगर दूसरे दिन डिलीवरी हो रही है तो भी। मेरी एक्चुअली मुझे गले में लुक था, कॉर्ड था, तो डॉक्टर ने बोला था कि मेरा सीजर होने वाला है, लाइक पहले ही कंफर्म कर दिया था 7 मंथ में कि उसके अराउंड जो नेक के अराउंड है वो कॉर्ड आ गया है, अगर 9 मंथ तक नहीं निकला तो सीजर करना पड़ेगा। तो फिर मैं अफर्मेशन में डेली लिखती थी कि नहीं मेरा नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और वो भी एकदम पेनलेस चाहिए। पर लास्ट एंड में जब मुझे टाइम दिया था डॉक्टर ने कि 2:30 तक हम लोग वेट करते हैं, अगर नॉर्मल हुआ तो ठीक है, नॉर्मल होने के चांसेस है, अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज सीजर करना पड़ेगा।
मैं सोच रही थी भगवान प्लीज नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि नहीं अफर्मेशन वर्क, मेरा सीजर होने वाला भी नॉर्मल हो गया डिलीवरी। वाओ अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2:30 तक टाइम दिया था, 2:32 को इसका डिलीवरी हुआ है। वाओ अमेजिंग अमेजिंग रियली अमेजिंग। मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट। थैंक यू सो मच सर कि जीएससी ऑनलाइन करने के लिए। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो कोई भेजता नहीं है प्रेग्नेंट। एक्चुअली कैसे होता है, ये ऑनलाइन कोर्स था इसलिए हम लोग कर पाए। अगर ऑनलाइन कोर्स नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेगनेंसी में घर वाले बाहर नहीं भेजते। कोरोना का सिचुएशन है तो वो लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजते। Yes, बहुत ज्यादा खुश है, वो बोलते हैं कि नेक्स्ट बेबी होगा तभी भी हम लोग जीएससी करेंगे। वो तो 100% नो डाउट, मतलब वो तो है, रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पे और दो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यस बेबी के बारे में तो हम देख रहे हैं कि बेबी में सचमुच बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। आपने उनके कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे, उनको 2 महीने का है और अभी आपने उनको बिटा के उनका फोटोज निकाला है। वो जैसे बाकी के मॉम के हमने देखे कि 2 महीने के बेबीज है वो अभी बात करना शुरू किए, ओम कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, वैसे आपके बेबी में क्या दिख रहा है? टू मंथ्स में वो ऊपर जा, वन साइड खुद ही टर्न होता है, अगर उसको थोड़ा सा पुश करो ना तो वो पूरा टर्न होके क्रॉल करता है, आगे जाता है। वाओ 2 मंथ में क्रॉल करता है। फोर्थ फिफ्थ मंथ में करते हैं वो, अभी सेकंड मंथ भी नहीं, वन मंथ पूरा होते ही उसका स्टार्ट हो चुका था। इतना एक्टिव वो खुद ही वन साइड टर्न हो जाता है फर्स्ट डे से ही। बहुत ज्यादा एक्टिव है वो और बातें तो ऐसे सुनता है जैसे उसको सब कुछ समझ में आता है। 100% वो तो सारी बातें हमेशा स्माइल करता रहता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैसे बेबी को फायदा, वैसे आपके कॉम्प्लिकेशंस, अभी ये पहली प्रेगनेंसी थी, आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे महिलाओं को कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वैसे इस जीएससी की वजह से आपको तो शायद कॉम्प्लिकेशंस हुए ही नहीं रहेंगे और बहुत कुछ, जैसे अभी अभी लास्ट में आपने बताया कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फायदा हुआ, वैसे और कौन से फायदे आपके लिए, क्योंकि जीएससी सिर्फ एक बेबी के लिए नहीं है बल्कि पूरे फैमिली के लिए है, क्योंकि उस माँ का ख्याल किया जाता है, बेबी का ख्याल होता है और माँ जैसे एंगेज हो जाती है, उनको रूटीन मिलता है तो पूरी फैमिली का बॉन्डिंग टुगेदर, मतलब बॉन्डिंग बढ़ जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस बढ़ जाते हैं। तो वैसे फायदे आपको आपके रिलेशंस के लिए या आपके पर्सनल हेल्थ के लिए, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे तो उसके लिए भी आपको कैसे फायदा हुआ? यस सर बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा हुआ मेरा। जब मैंने जीएससी ज्वाइन किया था जस्ट मेरी शादी होके 1 मंथ ही हुआ था और मेरी ज्वाइंट फैमिली थी तो सब कुछ एडजस्ट होना ही पड़ता है और एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैं नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम शादी होने के बाद कि मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, मेरे हस्बैंड के ऊपर हमेशा थोड़ा गुस्सा करती ही रहती थी, पर जैसे ही मैंने जीएससी ज्वाइन किया ट्रांस सुनती थी रोज म्यूजिक, बहुत उससे ज्यादा कामनेस और एकदम रिलैक्स माइंड हो जाता था। मेरी स्टडी पर भी कॉन्सेंट्रेट, मैंने लास्ट 9 मंथ तक मेरी स्टडी कंटिन्यू किया था। लास्ट 9 मंथ तक मैं लाइब्रेरी जा रही थी, स्टडी कंटिन्यू ही थी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ मेरे स्टडी में भी कॉन्सेंट्रेशन करने में, रिलैक्स माइंड एकदम काम, ऐसे नहीं लगता था कि लोग बोलते थे कि मैं प्रेगनेंट हूँ और मुझे ऐसे लगता था कि मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, एकदम मस्त आराम से लाइफ चल रही है, क्योंकि उतनी ज्यादा एक्टिव थी मैं। मेरी जो दादी सास थी वो भी बोलती थी कि तू लगती नहीं है प्रेग्नेंट है करके, इतनी ज्यादा एक्टिव है, हर काम इतना फास्ट कर कैसे कर लेती है, तुझे देख कर मुझे शौक होता है। वो इतनी एक्सपीरियंस थी फिर भी वो मुझसे ऐसे बातें करती थी कि तू बहुत एक्टिव है। जैसे आपके घर में कहा कि ज्वाइंट फैमिली है, आपकी दादी माँ है, या आपने अभी डिलीवरी के बाद में कई सारे फैमिली इधर उधर जो भी है फ्रेंड्स है उन्होंने आपको मिला रहेगा, इवन बेबी को देखा रहेगा, आपके घर में इधर आपके यहाँ के घर में मायके में और दोनों जगह पे ससुराल में दोनों जगह पे आपने आपके जो रिलेटिव्स है उन्होंने भी बेबी को देखा होगा, तो उनसे क्या कमेंट मिल रहे हैं बेबी के लिए? एग्जैक्टली सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव है तेरा बेबी, बहुत ज्यादा। उसकी एज बहुत कम है पर वो उसके एज से 2-3 महीने ज्यादा ही एक्टिव है, क्योंकि वो इतना फास्ट फास्ट सब कुछ जो उसकी ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। ओ, जो हम कहते हैं वो
एग्जैक्टली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरा नशीब जो बोलते हैं ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक मैंने जीएससी पूरा कम्प्लीट तो मैंने स्टार्ट से एंड तक लेके मैंने पूरा जो जीएससी किया है वो वर्थ है, क्योंकि मैंने मेरे जो बेबी में मैं जो डेवलपमेंट देख रही हूँ वो कि वो बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ बहुत पे ज्यादा एक्टिव, ये हर बात उसको समझ में आती है, जहां पर रिप्लाई करना होता है वहीं पर रिप्लाई करता है, जहां नहीं करना होता है वहां नहीं करता है। वो अभी भी करेक्ट, मुझे देख रहा हम भी देखना चाहते हैं ग्रुप में, यहाँ पे कमेंट्स अभी में। वो मेरे साथ ही बैठा है पर उसका आवाज थोड़ा भी नहीं है, यस वो 2 महीने का है फिर भी वो मेरे साथ बैठा है, हंस रहा है। यस यस, दामी मैं उसको बताती हूँ क्योंकि मैं अभी उसको ले नहीं पाऊंगी, एक हाथ में मोबाइल लिया है मैंने अभी। वैसे ही मोबाइल ऊपर करके दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे हमें, ओ क्यूट, हाय, हेलो, क्या हाय क्या नाम रखा है? हेलो, रिहांश, रिहांश, हाय रिहांश, हाय, हाय रिहांश, हाय ओ हाय, आपकी आपकी पहचान यस क्योंकि यस 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 यस, उसका नाम है ताकि पूरी मैं खुद दूर हूँ। आई नो आई नो, कितना शांत बैठा है। इज टू एक्टिव सर, यस यस यस, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे खास अहम बात यही कि आपने, मतलब आई थिंक कि यू आर द फर्स्ट लेडी इन अवर जीएसई फैमिली की जिन्होंने शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ फॉलो किया। हाँ लगी और दैट्स व्हाई ये जो हम भी बहुत ही क्यूरियस थे कि आपसे ये सब कुछ जाने कि कैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आपको फायदा हुआ, ट्रांस म्यूजिक अफर्मेशन जो सारी सिस्टम हम देते हैं, सारा चार्ट देते हैं, चार्ट आप कैसे, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप अफर्मेशन कब लिखते थे, कौन से टाइम पे लिखते थे, कैसे आप फॉलो करते थे। जैसे आपने वो टाइम मैनेज करके दिया था वही टाइम, लाइक 5 बज के उठ के पहले मैं अफर्मेशन लिखती थी, और रात में सोते टाइम भी पहले अफर्मेशन रीड करते, हम दोनों साथ में रीड करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, वाह बहुत बढ़िया, तो दोनों साथ में मिलकर एक्चुअली हम लोग रीड करते हैं। एक एक्सपीरियंस और मुझे शेयर करना है, वो इतना ज्यादा एक्टिव था जब होम में था तब से ही ज्यादा एक्टिव था, मैंने सर से भी बात की थी मैंने कि सर जैसे ही आवाज सुनता है वो एक्टिव हो जाता है, और वैसे ही अगर कुछ खाने का मन हुआ मुझे तो जो अगर मैं जब तक नहीं खाती थी तब तक वो एक्टिव रहता था, खाते ही शांत हो जाता था, इतना ज्यादा एक्टिव था। और घर के सब लोगों ने, लाइक मेरी सास जो है वो बहुत ज्यादा फ्री और फ्रैंक है, तो उन्होंने भी इसमें आई मीन चेंजेस देखे थे, जब वो मेरे वोम में था अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसको सिर्फ हाँ या ना में बात किया, आई मीन यस और नो में ही बात कर रहे थे हम लोग ज्यादा करके, अगर उसको बोला ना कि ये आपको पसंद आया क्या, अगर पसंद आया ऐसा लगा उसको तो वो लाइक ठीक करता था, अदरवाइज कीप क्वाइट, और उसकी जो म्यूजिक थी वो अभी भी वो सुनता और वाह wow. वो एकदम रिलैक्सली सो जाता है, जो म्यूजिक मैंने प्रेगनेंसी में सुना था वही म्यूजिक अभी भी उसको पसंद है। जो हमने जीएससी के माध्यम से दिए गए म्यूजिक्स, यस जीएससी माध्यम से दिए गए म्यूजिक अभी भी मैं सुनती हूँ और उसको भी सुनाती हूँ, और उसको वो बहुत ज्यादा पसंद है, ही लव टू लिसन म्यूजिक, और ग्रेट उसको ग्रेट, साइलेंट म्यूजिक ही पसंद है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के आज। और और उसकी आई आंखों, मेरी छोटी बहन है वो बोलती है तेरा बेटा रोता है कि नहीं, यस ज्यादा वो शांत है कि वो रोता है कि नहीं, वो हमेशा जब देखो उसका आवाज कभी आता ही नहीं है रोने का, ग्रेट, इतना शांत है वो। रियली रियली, आज मुझे लग रहा है कि हमारी जो अभी जीएससी फैमिली की ये सारी महिलाएं जो ज्वाइन हो रही है या यहाँ पे आज है, हर एक महिला को लग रहा होगा कि यस, एक मोटिवेशन मिला होगा। यस और ना, आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इनसे, इंस्पिरेशन? सी, दीज आर द सुपर मॉम्स ऑफ आवर जीएससी। और जो कॉम्पिटिशन्स लेते थे, कॉम्पिटिशन्स की भी ये विनर रह चुकी है, मतलब बर्थ के पहले ही उन्होंने विन किया है अपने बेबी के लिए। सो नाउ इट्स योर टाइम, आप लोगों का टाइम है, सो टेक अ डिसीजन, बी कमिटेड, बी मतलब विश्वास रखिए और 100% कमिटमेंट के संग आगे फॉलो कीजिए जो सपना हम मिलकर देख रहे हैं कि एक पीढ़ी नई निर्माण करेंगे, और ये आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई, इस वजह से मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि
बदलाव मैं नहीं ला सकता हूं, मैं आपको दिशा दे सकता हूं। जैसे बार बार कहता हूं कि सोच होकर नहीं होगा, सोच के संग जीवन में एक कोच होगा, एज अ कोच, एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बाकी करना तो आपको ही है। और जो बदलाव आएगा वो आपसे ही आएगा, दूसरा कोई बदलाव नहीं ला सकता है। सो माई डियर फ्रेंड्स, बी एक्टिव और ये पूरे 100% कमिटमेंट के संग ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। अभी यहाँ पे कई सारे लोग शायद होंगे जिन्होंने आज भी हमारा वर्कशॉप होता था, अभी हर संडे वर्कशॉप कर रहे हैं, संडे वर्कशॉप के दिन 300-400 लोग आते हैं, देखते हैं हमारी जीएससी से। हर संडे दो फैमिलीज, दो महिलाएं आती है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे हमें जीएससी की वजह से फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि यही मैंने जीता है। आज 1200 से भी अधिक लोगों की ये फैमिली जुड़ चुकी है एक साल के भीतर भीतर, जैसे डिजिटली हमने स्टार्ट किया। जो सपना हम देख रहे हैं कि 15 साल के बाद में जो भारत रत्न बनेंगे, एक नया इतिहास, नई एक शुरुआत आज हमने की है। और ऐसा ही सपोर्ट आगे भी हम आपसे चाहेंगे, आगे भी जो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यस, मैं आगे भी आपको गाइड करते रहने वाला हूँ। पेरेंटिंग ग्रुप में आप है, वहाँ से भी आपको मेरा गाइडेंस मिलते रहेगा, और आगे जाके और बहुत बेहतर लेवल पे, मतलब ये एक परिवर्तन है, ये परिवर्तन का जो हमने शुरुआत किया है, यहाँ से ही परिवर्तन आएगा, ऐसे मुझे लगता है। आई होप कि आप भी इसमें सहमत रहेंगे। यस सर, बिल्कुल, हर एक को जीएससी ज्वाइन करना चाहिए, जो भी, आई मीन ऐसे ही नहीं कि जो प्रेग्नेंट है वही ज्वाइन की करना, उन्होंने ही ज्वाइन करना चाहिए। आप प्रेगनेंसी के पहले भी जीएससी ज्वाइन कर सकती हो। यस यस, कंसीव करने के पहले भी आप जीएससी ज्वाइन कर सकती हो, और 101% आपको इसका फायदा जरूर दिखेगा। आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको इसका फायदा पता चल जाएगा, उसके बाद तो बेबी भी होने के बाद आप खुद ही यहाँ पर आके, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, आप खुद ही आकर आप भी सर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। यस यस यस, रियली थैंक यू। आई सो हेमा मैम, रियली आज बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मैं भी क्यूरियस था कि पूरी जर्नी आपकी जान के ले ले, भारत देश में परिवर्तन आएगा, इस सिस्टम के माध्यम से हम परिवर्तन लाएंगे, और दैट्स व्हाई ये फैमिली है, ये हम सब लोगों की फैमिली है। तो आइए जुड़ जाइए और आगे हम परिवर्तन लाएंगे। थैंक यू। यस सर, एग्जैक्टली, जो बात मैं पहले भी बोला था वो बात आज भी बोल रही हूँ कि अगर आपको शिवाजी चाहिए तो आपको जिजाऊ बनना ही पड़ेगा। आपको अगर आपके बच्चे में बदलाव लाना है तो आपको पहले से ही वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे जिजाऊ ने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे ट्रेन किया था, अगर वैसे ही आपको आपके बेबी को ट्रेन करना है तो आप जैसे 9 मंथ 9 डेज उसके बाद भी आपको उसकी उतनी केयर लेनी पड़ेगी। यस यस, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।